न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनाव में शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के राजस्व तथा पुलिस अधिकारी बैठक कर लें। मिर्जापुर में भी आदतन अपराधियों तथा स्थायी वारंटी पर कार्यवाही करें। मतदान के 2 दिवस पूर्व रीवा जिले को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर वाहनों की जांच के लिए चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, जिससे शराब, अवैध हथियार आदि का रीवा जिले में प्रवेश ना हो सके। दोनों जिलों के अधिकारी समन्वय से प्रयास करके चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि सीमावर्ती थानों से रीवा पुलिस को लगातार सहयोग मिलता रहता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी मिर्जापुर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उपायों की समीक्षा करेंगे।